एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो हम देखेंगे मदर्स डे मनोज मुंतशिर इंडियन आइडल। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली मदर्स डे पर है, लेकिन यह है कि हमने थोड़ा सा लेट कर दिया इस वीडियो को। बट इस पर रिएक्शन देने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो बेसिकली मुझे सजेस्ट की गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो, माँ का तो कोई एक दिन होता नहीं है, सारे ही दिन माँ के होते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस वीडियो को देखें और जाने क्या कहते हैं इसमें ये। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह! मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। वाह वाह वाह! माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। क्या बात है! मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। क्या बात, बिल्कुल। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा, एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्या बात है मनोज जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन बिहाइंड चार्ट बस्टर्स लाइक तेरी मिट्टी में मिल जावा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा एंड तेरी गलियां, जिनके एहसास हो के मुसाफिर, मनोज मुंतशिर। थैंक यू सो मच सर, प्लीज टेक अ सीट एंड एंजॉय द शो। आइए मनोज जी, आइए सर, सो गुड टू बी बैक अगेन। सभी माओं के लिए हाथ टूटने तक तालियां। बड़े बड़े खोजी हुए हैं दुनिया में, किसी ने नाव पर चढ़ के देश खोज निकाले, किसी ने दूरबीन से तारे, गैलीलियो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मुझे नाम याद है सारे, चले गए। आज अगर होते तो मेरी मां से हार जाते। मेरा सीधा चैलेंज, एक ऐसा मंदिर खोज निकालो जहां मां ने मेरे लिए माथा नहीं टेका, एक ऐसी नदी जहां उसने मेरे नाम का सिक्का नहीं फेंका। लगा लो अपनी सारी दूरबीने और ढूंढ निकालो वो एक धाम जिसकी ऊंचाई मेरी मां की मन्नतों से ज्यादा हो, वो एक पेड़ जहां उसने मेरे नाम का धागा ना बांधा हो। ढूंढ के बताओ वो एक दरगाह जहां मां ने मेरे लिए फूल ना चढ़ाए हों, वो एक गुरुद्वारा जहां मेरे नाम के लंगर ना खिलाए हों। होंगे बड़े बड़े खोजी, बड़े बड़े 30 मार्क, पर दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोरर का नाम है माँ। कल सरहद पे गोली चली, खून बहा, और आज गांव में एक ताबूत आया तिरंगे में लिपटा हुआ। बाप की बूढ़ी छाती में दरारें पड़ गई, बहन की राखियां उजड़ गईं, दुल्हन की चूड़ियां टूट के कलाई में गड़ गईं, यारों का यार बिछड़ गया, भाई का गुरूर मर गया, और मां वो चल के दरवाजे तक नहीं आई, अपने लाडले बेटे को सुलाने के लिए एक आखिरी लोरी तक नहीं गाई, जहां खड़ी थी वहीं से वतन के लिए दुआएं मांगने लगी, एक बेटे का ताबूत खोलने से पहले दूसरे बेटे का सामान बांधने लगी। कुछ टूटती हुई हिचकियों ने सवाल किया तो बोली, जब तक जीऊं इस देश के काम आऊं, एक शहीद की मां कहलाने से अच्छा है 2 शहीदों की मां कहलाऊं। मां का दिल बहुत बड़ा होता है। मां
मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहां से लाएगी। मैं बताता हूं, कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा, बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। मां जहां कहीं भी है उसे वंदन है, वो दुनिया के जिस कोने में जिस देश में है उसका अभिनंदन है। पर हमारे भारतवर्ष की माएं अब क्या बताएं, एक से एक वीरांगनाएं। एक वो झांसी की रानी जिसने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए। एक जीजाबाई जिसके इशारे पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के ताज तलवारों पे तोल दिए। शकुंतला जिसके बेटे ने लड़कपन में ही शेर के दांत गिन के अपने शौर्य का ऐलान कर दिया। और पन्ना जिसने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपनी कोख का दीपक दान कर दिया। कोई कहां तक गिनेगा, हम कहां तक गिनवाएं। बस ये जान लो, भारत जैसी ही बेजोड़ हैं भारत की माएं। क्या बात है, बर, बर, बर। अभी देर नहीं हुई, जाओ। तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। जबरदस्त, बेशक माँ से खूबसूरत कोई है ही नहीं। क्या बात है, माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ मैंने उसके हाथ जरूर देखे, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर चले हैं, वही हाथ जो मेरी उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं, मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिक चढ़ जाती थी, और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मारकर खुद 10 बार रोते थे। वाह। देखो जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। तो यही है माँ। माँ तो बेसिकली माँ ही होती है ना, और दुनिया की खूबसूरत तरीन जो औरतों में से कोई अगर होता है तो वो माँ ही होती है, जो खूबसूरत तरीन होती है, जो अपनी खूबसूरती को ख़त्म कर कर वो आपकी परवरिश करती है, अपनी खूबसूरती जो कि अपने ऊपर एक आँच नहीं आने देती, और वो आपकी परवरिश करने में अपनी खूबसूरती को भी इग्नोर कर देती है, ये वही माँ होती है। और यार हम माँ के बारे में जितना भी कहना उतना ही कम है, क्योंकि माँ जो है ना वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको ऊपर वाले ने हमारे लिए एक नेमत बनाकर भेजा है, आप कह सकते हैं। वो हमारे लिए, हमें, हम कहते हैं ना हम लक्की नहीं हैं। मैं ये कहती हूँ कि लक्की वो लोग नहीं हैं जिनके पास माएँ नहीं हैं। लक्की वो उनको वो लोग जो सोचते हैं कि लकी होना सिर्फ पैसा होता है, जेवरात होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, अयाशी होती है,
अगर उसको लोग लक्की कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनका मतलब कि वो आज तक समझ ही नहीं पाए कि उनके लिए जो सबसे बड़ी नेमत है वो उनकी माँ है। और अगर आपके पास माँ है ना और ये सारी अयाशियाँ नहीं हैं तो यकीन माने उन अयाशियाँ जिनके पास है ना उनसे ज़्यादा लक्की आप हैं कि आपके पास माँ है। क्योंकि दुनिया में आपको हर कोई मतलब के लिए चाहता है, दुनिया में हर कोई आपसे मतलब ही पूछता रहता है और वो मतलब के बगैर आपको कुछ नहीं करता। लेकिन यकीन माने माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं समझती हूँ कि जो बिना मतलब के आप उनको डांट भी दो, माँ को आप बदतमीजी भी कर लो, लेकिन वो जो है ना आपके आगे खामोश हो जाएगी, इग्नोर कर देगी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये होती है माँ। आप किसी और से नाराज हो जाओ, वो अभी एक महीना आप उसे नहीं बुलाओगे ना वो बात ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं, माँ इग्नोर कर दिए, क्योंकि माँ को अपने बच्चों से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। तो मैं यही कहूँगी कि यार अगर आपकी माँ आपके साथ है ना तो प्लीज़ उनकी कदर करें। और वो बहुत बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपनी माँ को अपने घरों से निकाल देते हैं सिर्फ लालच पर या फिर बीवियों के कहने पर। सो प्लीज़ प्लीज़ अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और माँ बाप को तो यार आप सर पे रखें, माँ बाप से ऊपर किसी को मत रखें, मैं तो यही कहूँगी। और माँ को खासकर पीछे कभी मत रखें, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है जो आपको चलना सिखाती है, पढ़ाना, आपको इंसान बनाती है, आपको इंसानियत सिखाती है, आपको दुनिया में उठना बैठना सिखाती है। अगर वो नहीं सिखाएगी, चलना नहीं सिखाएगी, तो आप चल कैसे सकोगे? आप कैसे किसी से बात कर सकोगे, लोगों में उठना बैठना कर सकोगे? जो इतने अच्छे खासे जो पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं या फिर अपर लेवल के हैं तो वो माँ की वजह से ही हैं, क्योंकि माँ की दुआएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो माँ की दुआएं लें और नफ़रतें उनकी नफ़रत या उनकी बददुआ का वसीला मत बने, क्योंकि अगर वो बददुआ दे दी ना तो मुझे नहीं लगता है कि उस इंसान का कुछ बचेगा। और मुझे लगता है कि माँ बददुआ देती नहीं है कभी भी दिल से, और अगर माँ के मुंह से कभी हाँ निकल गई ना तो कभी आप वो इंसान खुश नहीं रह पाएगा। सो खैर गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। मुंतशिर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। और यही है कि बस अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी मम्मा का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।